राजस्थान बीजेपी ने कल गहलोत सरकार के खिलाफ विभिन्न मुद्दों को लेकर सचिवालय का घेराव किया था। इस दौरान भाजपा के दिग्गज नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। सचिवालय का घेराव करने निकले बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने स्टेचू सर्किल पर रोक लिया। इस दौरान पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हल्की धक्का मुक्की भी हुई। भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पहले तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, इसके साथ ही वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया था। सचिवालय घेराव से पहले बीजेपी ने एक विशाल जनसभा की, इसमें लगभग सभी दिग्गज नेता मौजूद रहे। मंच पर प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया सहित प्रदेश संगठन के कई पदाधिकारी वहां पर मौजूद रहे। इस पूरे मामले में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की गैर मौजूदगी चर्चाओं में रही, जबकि मंच पर वसुंधरा राजे की सीट रखी गई थी रिजर्व। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किया था ट्विटर पर ट्वीट, जयपुर में किए गए प्रदर्शन पर किया गया था ट्वीट, फिर भी वसुंधरा राजे का ना आना खड़े कर रहा है कई सवाल। हालांकि सच ये भी है कि पहले भी कई मौकों पर मैडम राजे प्रदेश भाजपा के प्रदर्शन में शामिल नहीं हुई थी। ऐसे में अब वसुंधरा राजे की गैर मौजूदगी के क्या मायने हैं? ये सवाल सियासत में घूम रहा है। सियासी पंडितों का मानना है कि मैडम राजे के बिना बीजेपी नहीं आ सकती है सत्ता में वापस। ये बात खुद भाजपा आलाकमान भी अच्छे से समझ चुका है, क्योंकि राजस्थान की राजनीति दूसरे प्रदेशों से सबसे अलग है। सीएम गहलोत को कोई टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ मैडम राजे ही है। ऐसे में अब सभी के मन में एक सवाल लगातार उठ रहा है कि आखिर क्यों मैडम राजे कल नहीं आई इस प्रदेश व्यापी कार्यक्रम में। हालांकि उनके गुट के कई नेता सक्रिय रूप से कल के प्रदर्शन में नजर आए।